जय श्री कृष्णा दोस्तों, शुरुआत तो बचपन से ही हो जाती है। या तो गलत संगति में पढ़कर गलत आदतें युवा सीखते हैं, या तो इंटरनेट से। इंटरनेट पर 60-70% चीज़ें अश्लील हैं। इससे ये पता चलता है कि युवा सही चीज़ें नहीं बल्कि गलत चीज़ें देख रहे हैं और सीख रहे हैं। मैं कई वीडियो में यह बोलता हूँ कि जिस देश के युवा बर्बाद हो गए उस देश का कुछ नहीं हो सकता, वह देश भी बर्बाद हो जाएगा। एक इंग्लिश कहावत है, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन विदाउट वार मेक न्यूडिटी कॉमन इन यंग जनरेशन। मतलब अगर आप किसी देश को बिना वार के हराना चाहते हो तो आप न्यूडिटी को युवाओं में फैला दो। युवा और देश दोनों बर्बाद हो जाएंगे, और ऐसा ही हमारे देश के साथ हो रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पता नहीं कितने युवा तो सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि मास्टरबेशन सही है या गलत है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि मास्टरबेशन नॉर्मल है। इतना बड़ा झूठ युवा तो समझ ही नहीं पाते हैं। जिस चीज़ से एक नए जीवन का निर्माण होता है उस चीज़ को बर्बाद करना नॉर्मल कैसे हो सकता है। हमारे वेदों में भागवत गीता में मास्टरबेशन को सर्वनाश बताया गया है। इसे सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए यूज करें। ना जाने कितने युवा अभी भी गलत जानकारी के साथ जी रहे हैं, और उनका आगे का जीवन बहुत दर्दनाक होने वाला है। अगर वह ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं जान पाएंगे तब उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ब्रह्मचर्य के बारे में उनको बताना होगा ताकि वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, वह युवा भी सच्चाई जान सकें जो इन गलत हैबिट में फंसे हुए हैं। अगर बचपन में ही हमें ब्रह्मचर्य के बारे में बताया जाता, पढ़ाया जाता, आज हमारे देश के युवा बहुत आगे होते हैं हर एक फील्ड में, और हमारा देश भी बहुत आगे होता। इन सभी चीज़ों के ऊपर ना ही स्कूल कॉलेज में कभी बताया जाता है, ना ही घर पर सेक्स एजुकेशन दिया ही नहीं जाता, और उधर बाजार में नथिंग सेल्स मोर देन सेक्स। यह सब आपको पता होगा, या तो टीवी एड्स में हो, हर जगह बाजार में इस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ युवा तो ऐसे हैं जो अपने शरीर का दिखावा करके पैसा कमा रहे हैं। कोई टैलेंट नहीं, कोई स्किल नहीं है, शरीर के नाम पर सब कुछ हो रहा है। कोई बताने वाला नहीं है उनको कि तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। यह शरीर तो कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाएगी। इंसान इस भौतिक जगत में खो गए हैं, और यही इंसानों के पतन का कारण है। आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ तो आपके दोस्त की ज़िंदगी बच सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आई एम मेडी मैन, आई एम ऑन मिशन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।